हेलो हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत अपील दायर करने के आधार के बारे में। देखिए, अपील अपील दायर करने के आधार एक्ट कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट 2005। तो अपील दायर करने के आधार क्या हैं? भाई, किसी अधिकारी ने कोई कार्य नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी, कोई आदेश आया, तो उस आदेश के खिलाफ हम अपील कहाँ करेंगे उसके, और कौन से किस आधार पर करेंगे? तो आवेदक के पास दो आधार होते हैं। ठीक, दो आधार होते हैं। पहला आधार है, दो आधार देखिए कौन से, दो आधार हैं। पहला आधार है कि निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त ना होना। निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त ना होना या सूचना प्राप्त ना होना, निर्णय प्राप्त ना होना। दूसरा अपील का आधार है, अपील का दूसरा आधार है सूचना की अघोषित मनाही। सूचना की अघोषित मनाही, ठीक, अघोषित मनाही, अन डिक्लरेशन, ठीक, अनडिक्लेरेशन। दो आधार हैं। पहला देखिए, अब निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त ना होना। यदि आवेदक सूचना है उस सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपने आवेदन पत्र पर जो धारा 7(1) या 3 का में निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अर्थात 30 दिन में कोई निर्णय प्राप्त नहीं करता है तो उसे अपील में जाने का अधिकार होता है। 30 दिन, 30 दिन, धारा 7(1), ठीक है, का समय जो है वो 30 दिन का है। अगर 30 दिन के अंतर्गत उसे निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो वो अपील में जा सकता है आयोग के पास। दूसरा, अब आगे देखिए, दूसरा बात और है कि यदि वह संबंधित जो लोक सूचना अधिकारी है उसके फैसले से संतुष्ट ना हो तब भी वह अपील कर सकता है जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो। अब ये अपील की बात आती है, अपील कहाँ करेगा? तो एक तो ये है, ये जो अपील है वो जहाँ पर आवेदन देगा उसका जो सीनियर अधिकारी होगा, वरिष्ठ, उसके पास ये अपील कर सकता है, वरिष्ठ अधिकारी होगा, ठीक। उसके बाद आयोग वगैरह में भी जा सकता है। और एक बात और यहाँ पर है कि जो प्रथम अपील है, प्रथम अपील प्राधिकारी की जो महत्व को अभी सही तरीके से या सही दिशा में, या जो आवेदक हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं दोनों को सक्रिय करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी इसमें फुल जानकारी या पूरी सक्रियता अभी इन दोनों लोगों की नहीं है। सूचना की अघोषित मनाही, यहाँ इस रूम में बहुत गर्मी है, 200 वाट का बल्ब जल रहा है, चारों तरफ से बंद है, पंखा नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। अब देखिए, सूचना की अघोषित मनाही, इसीलिए कुछ बोलना होता कुछ बोल जाता हूँ गर्मी की वजह से, पंखा चलाऊँगा तो आवाज़ ही नहीं आई आप तक स्पष्ट, वैसे ही बाहर से आवाज़ काफ़ी आ रही होगी क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं बाहर, क्योंकि उस बराबर से रोड भी है। तो अब ये जो सूचना की अघोषित मनाही है इसमें यह है, हालांकि जो अपील है, अपील हमेशा, देखिए एक बात दिमाग में आई होगी, अपील जो होती है वो हमेशा आदेश के खिलाफ ही होती है, ठीक, आदेश के खिलाफ ही अपील होती है, बात सच है। आदेश जैसा भी हो, निर्णय जैसा भी आए, चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे ना आए, पक्ष में आता है हम तब भी अपील कर सकते हैं, और हमारे पक्ष में नहीं आता तब भी हम अपील में जा सकते हैं। अब संतुष्ट नहीं है तो अपील में जा सकते हैं, और हमारे हमारे पक्ष में नहीं आए तब भी हम जाएंगे अपील में। लेकिन
यदि संबंधित लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना प्रदान नहीं करता है, 30 दिन में अगर सूचना प्रदान नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में सूचना ना देना, ठीक, सूचना की अघोषित मनाई कहा जाता है। 30 दिन में, अगर 30 दिन में सूचना प्रदान नहीं करता है लोक सूचना अधिकारी तो ऐसी अवस्था में सूचना ना देना सूचना की अघोषित मनाही समझा जाता है। मतलब सूचना नहीं दे रहा, 30 दिन पूरे हो गए, तो इसका मतलब ये अघोषित मनाही, डिक्लेयर नहीं किया हम सूचना नहीं देंगे लेकिन दी भी नहीं, तो ये अघोषित मनाही है माना जाएगा। इसके आदेश के विरुद्ध, ठीक, अपील करने का प्रावधान हमें प्राप्त है इस अधिनियम के, इस संहिता के अंतर्गत हम शिकायत कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब प्रथम अपील दायर करने की समय अवधि क्या है? प्रथम अपील दायर करने की समय अवधि क्या है? देखिए कौन कौन समय अवधि है, देखिए बताते भी। प्रथम अपील दायर करने की अवधि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 30 दिन है। अधिनियम के जो प्रावधान है, अधिनियम के जो उपबंध हैं, जो एक्ट में दे रखे हैं, वो 30 दिन हैं। 30 दिन में कोई भी सूचना आपको देनी होगी जो आवेदक ने मांगी है, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है तो नागरिक को सूचना देना पड़ेगी। अच्छा, यह प्रथम अपील जो प्राधिकारी इस बारे में यदि संतुष्ट है कि देरी का कोई युक्तियुक्त कारण है, मतलब देरी की कोई वजह वास्तव में है, तो ऐसी स्थिति में देरी की अवस्था में भी अपील दायर कर सकता है। ठीक, देरी की अवस्था में भी अपील दायर की जा सकती है, कोई सूचना नहीं दी तब भी और देरी से कोई आई है तब भी अपील कर सकते हैं आप। प्रथम अपील अधिकारी को इस नियम में अपने विवेक से निर्णय करने का अधिकार है और 30 दिन की जो निर्धारित अवधि है उसे समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता। अगर 30 दिन, मैंने कहा बताया था कि अपील, जैसे कोई निर्णय आया है, ठीक, कोई आदेश आया है, उसके खिलाफ 30 दिन का समय आपको मिलेगा, 30 दिन में आपको अपील करना होगी, 30 दिन में आपको किसी दूसरे न्यायालय में जाना होगा और आप नहीं जाते हैं और 30 दिन बीत जाते हैं, तो न्यायालय आयोग या जो जहां अपील करेंगे आप जिस कोर्ट में, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि अगर आप 30 दिन के बाद आएँ, अगर कोई युक्तियुक्त कारण है, किसी वजह से आप नहीं आ पाए, तो वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकते हैं। अपील में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी जा सकती, नहीं मांगी जा सकती। ये धारा 6 में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा जो 6 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब अपील में आप जाएंगे, ठीक, जब अपील करेंगे, दायर करेंगे किसी वजह से भी, किसी कारण से भी, तो आप अतिरिक्त सूचना उसमें नहीं मांग सकते। आप वही सूचना मांग सकते हैं जिस सूचना की शिकायत करने आप इस अपील में आए हैं। अब देखिए, तीसरा पक्ष के द्वारा अपील, भाई दो पक्ष होते हैं, ये तो आवेदक होता है, एक लोक प्राधिकारी होता है जिसे सूचना देनी होती है, आवेदक वो होता है जिसे सूचना लेनी होती है, जो प्रार्थना पत्र देता है वो आवेदक कहलाता है, ठीक। अब अगर तीसरे पक्ष की बात आती है तो धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत धारा 11 में जो वर्णित है, तीसरा पक्ष द्वारा प्रथम अपील दायर करने का प्रावधान है कि तीसरा पक्ष भी अपील दायर कर सकता है। अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की तिथि से 30 दिन के अंदर की जा सकती है, ये अपील भी 30 दिन के अंदर की जा सकती है निर्णय के बाद। और जो प्रथम अपील का अधिकार है केवल आवेदक को ही नहीं दिया गया है बल्कि अन्य व्यक्ति या तीसरे पक्षकार को भी दिया गया है, जहाँ ये समझा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय उसके हित में, यानी कि उसके हित से हानि हुई है, तो तीसरे पक्ष को भी इसे अपील का अधिकार दे दिया जाता है। अभी क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि क्या लोक प्राधिकरण होता है, क्या लोक प्राधिकरण भी अपील करने का अधिकार रखता है? क्या लोक प्राधिकरण भी तीसरा पक्षकार हो सकता है? वैसे तो कानून जो सूचना का अधिकार है, जो विधि है, उसमें साफ साफ ये लिखा है
कि केवल निजी तौर पर व्यक्तियों को ही अपील करने का अधिकार है, निजी तौर पर। परंतु केंद्रीय सूचना आयोग ने गुरविंदर कौर ठीक वर्सेस डीसीपी इस केस में, ये जो आयोग है इस आयोग में इसने अपने जो निर्णय दिया था, कहा था कि लोक प्राधिकरण को ऐसी अपील करने का अधिकार है क्योंकि धारा दो एन के अंतर्गत परिभाषित तीसरे पक्ष में लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आता है। जो तीसरे पक्ष को परिभाषित किया गया है दो ढा में, उसमें लोक प्राधिकारी तीसरे पक्ष में आता है। तो जब तीसरे पक्ष में आता है तो फिर क्या अपील दायर कर सकता है। प्रथम जो अपीलीय अधिकारी है उसकी धारा 19(1) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने की क्या शक्तियाँ, देखिए कौन कौन शक्तियाँ हैं। सबसे पहले धारा 20 में जुर्माने की शक्ति केवल सूचना आयोग के पास है, ये ध्यान रखिए। धारा 20 के अंतर्गत जो शक्ति है, मैंने बताया धारा 20 के अंतर्गत जो शक्ति है वो सिर्फ किसे प्राप्त है, जो हमें जुर्माना लगाने की, वो सूचना आयोग को है सिर्फ, प्रथम अपील अधिकारी के पास ये नहीं है। अपने आदेश का पालन करवाना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है, बिल्कुल दायित्व है उसका, वो करवाएगा अपने आदेश का पालन। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पालन कराना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य बनता है, कर्तव्य है, कराना होगा उसे पालन इसका। और यदि वह इसका पालन नहीं कराता है, इसका पालन अगर नहीं कराता है तो प्रथम अपील अधिकारी के पास इसे लागू करवाने के लिए विकल्प भी हैं, करा सकता है किसी भी तरीके से। इससे संबंधित केस भी है, एल डी चोपड़ा वर्सेस डीसीपी का जो केस है वो इससे संबंधित है, धारा 19 से, ठीक 19 से ही संबंधित है, वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के शक्ति से संबंधित है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील दायर करने के आधार के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।